अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब, बस जुमेरात से ही परेशानी शुरू हो जाती है हमें तो, कि इस वीकेंड हमने कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। बहन आई हुई है, उसने अगर उसको नहीं घुमाया ना हमने कहीं वीकेंड पे, तो उसने हमें ताने दे के मार देना है कि मैं तो पाकिस्तान आई और तुम लोगों ने तो मेरी कोई खिदमत ही नहीं की। तो बस हर जुमेरात को हमारा यही स्यापा होता है कि अब जो है इस वीकेंड पे हमें कहाँ जाना है। तो बहुत वीकेंड से टलते 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 आज फाइनली हिम्मत बना ली और मामू ने मेरे कहा कि चलो जवानों, खड़े हो जाओ, आज चलते हैं बंस रोड। तो बंस रोड जो कराची में रहते हैं उनको तो अच्छी तरह पता होगा, बंस रोड वो काफ़ी दफ़ा आई एम श्योर गए भी होंगे, लेकिन जो दूसरे सिटीज़ से हैं उनके लिए बंस रोड जो है एक नई चीज़ है। तो बंस रोड आप ज़रूर जाएँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो यहाँ पे जी मैं दिखा रही हूँ मामू के बन कबाब, मशहूर बन कबाब हैं ये बंस रोड के, और फ्रेस्को के दही बड़े। तो और ये जो बंस रोड है ना, ये एक फूड स्ट्रीट है, और ये ये दही बड़े जो है ना दिल्ली के मशहूर, हम जब भी यहाँ जाते हैं यानी कि साल में तो हमारा एक विज़िट जो है ना वो पक्का पक्का है बंस रोड का। यानी कि अगर हम साल में एक बार बंस रोड ना गए तो बस समझ लें हमारी ज़िंदगी अधूरी सी रहती है। तो जो भी आउट ऑफ सिटी यानी कि कराची से बाहर के जो लोग हैं, वो जब कराची आएँ, तो आई सजेस्ट यू गाइज कि प्लीज़ डू मस्ट विज़िट बंस रोड, लेकिन अपनी हाइजीन और अपना जो है ना नाजुक सेल्फ को घर रख कर आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा अनहाइजीनिक लगेगा। ऑब्वियसली स्ट्रीट फूड है, तो स्ट्रीट फूड में आप इतना ज़्यादा तो वो नहीं करते, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी है। एज़ प्राइजेस को देखा जाए तो बहुत नॉमिनल प्राइजेस हैं अगर आप कंपेयर करेंगे बड़े रेस्टोरेंट से। और यहाँ पे आपको जो है ना चाट से लेके चरगा सब मिल देगा, जो खाना चाहेंगे आपके पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस है। तो यहाँ पे जी सब खाना खाने के बाद लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं आइसक्रीम और मिठाइयों से, और बच्चा पार्टी हमारी बहुत खुश हुई है, इन्होंने अपने होश में पाकिस्तान को देखा है, वरना ये पाकिस्तान सिर्फ मॉल्स की हद तक जानते थे कि मॉल्स हैं। तो ये अब्दुल हादी भी अपनी पिस्ता आइसक्रीम इंजॉय करते हुए, तो बच्चों ऑब्वियसली मेरी बहन के बच्चे पाकिस्तान आए हुए हैं तो उनके लिए तमाम चीज़ें नई नई हैं, तो हमने सोचा चलो भाई आज तुम लोगों को जो है ना हम टांगे की सैर कराते हैं, यक्का गाड़ी की। तो घोड़े पे जो है बच्चों के साथ साथ हम भी बच्चा बन गए और हमें बहुत मज़ा आया इस तरह से हॉर्स राइडिंग तो नहीं कहेंगे, टांगे पे सवारी करके। और यहाँ पे हम सब जो है ना बैठे हुए हैं चिल्ड्रन पार्टी के साथ और एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ही मेमोरेबल डे रहा हमारे लिए, बहुत मज़ा आया हमें। मामू ने जो है ना हमारी यादें ताज़ा करा दी, पहले हमें अम्मी लेके जाती थी, अब जो है मामू हर साल हमें बंस रूट की जो है ना सैर करवाते हैं। और पहले दुकान से जो हम शुरू होते हैं तो वो लास्ट गली के आखिर तक खाते हुए